आपको हम जानकारी दे दे कि आज सभी जगहों का आशा कर्मी जितने भी आशा हैं सभी आज पटना गए हुए हैं। अच्छा ये बताइए, सभी पटना गए हैं, पटना में भी आवाज उठाएंगे, साथ ही साथ 5 हो या फिर 6 या फिर 100 हो या फिर 1000 हो, सब एक ही मांग पर डटे हुए, सरकार सुनने को तैयार नहीं, फिर पटना में जाना क्या उचित लगा आप लोगों को? जाना चाहिए पटना या नहीं? हाँ जाना चाहिए, पटना जाना चाहिए, जाना चाहिए। पटना क्यों जाना चाहिए बताइए? हम लोग अपना मामले के लिए जी, यहाँ से नहीं सुन रहा है तो वहाँ पर जाके हम सुनाएंगे। सुनवाई नहीं हो रहा है वहाँ, पटना जाने के बाद कुछ सुनवाई होगा, इसीलिए वो लोग पटना गए। आपको हम बता दे संक्षेप में, इन लोगों का कहना है कि यदि हम ब्लॉक पे, हम लोग सड़क पे अगर नहीं उतरेंगे तो शायद सरकार सुनेगा नहीं, यदि हम सड़क पर उतरते हैं तो शायद उन्हें कठिनाई होगा, तो उन्हें समझ आएगा कि आशा कर्मियों का कितना महत्व है, समाज में कितना योगदान है। अच्छा ये बताइए, आशा कर्मी भूखे प्यासे रहते हैं, बताया जाता है कि दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उन लोगों का वेतन मात्र 1000 रुपया, वो भी मंदे नहीं प्रोत्साहन राशि। सरकार लगभग आप लोगों का 2018 या फिर 19 में मानदेय किया था 1000 रुपया, क्या अभी तक वह मिला या नहीं? नहीं मिला है वह, नहीं मिला, नहीं मिला अभी तक, नहीं मिला। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा लगभग कितना बकाया राशि होगा अभी तक आप लोगों का सरकार पर? 60,000 रुपया। 60,000 रुपया? हाँ 60,000 रुपया। 3 महीना को देकर उसके बाद बंद कर दिया गया है। 3000 रुपया मिला है मात्र, उसके बाद अभी तक नहीं मिला है। 3000 मिला था? 3000। 3000 कैसे मिलेगा, क्योंकि आप लोग दिन रात एक मेहनत करते हैं, क्योंकि कोई भी काम करे तो उनका मजदूरी 300 रुपया होता है, और फिर भी मजदूरी के नाम पर भी नहीं वो भी नहीं मिलता है। 3 महीना मिला, वो भी नहीं मिला, तब भी कुछ बहुत कुछ था, मजदूरी भी मिलता तब कम था। अब पहले देख लीजिए दादी को, देख लीजिए यहाँ पर जो आपको दिख रहे होंगे, यह दादी लोग का उम्र भी देखकर शायद सरकार को समझ आना चाहिए था कि हमारे बूढ़ी माता हो, बहने हो, दादी हो, सड़क पर उतर रहे, धरना पर बैठे हैं, लेकिन इन लोगों का कहना हम कैसे नहीं सुन रहे। अच्छा सरकार से उम्मीद कितना है आप लोगों को? कितना उम्मीद है? नहीं है, सुनेगा, हम लोग धरना पे हैं, सुनेगा, उम्मीद है, जब तक नहीं सुनवाई करेगी तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। हम लोग धरना जारी रखेंगे जब तक नहीं सुनेंगे, तब तक, जब तक नहीं सुनेंगे। हाँ 20 दिन हो गया अभी तक तो नहीं सुना है ना? 20 दिन हुआ है, उससे क्या और होगा, 2 महीना होगा, 4 महीना होगा, बीच में 2-4 दिन के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग हड़ताले पे रहेंगे 6 महीना के लिए भी। हाँ। जी 1 वर्ष के लिए बोल रहे हैं तो 6 महीना तो दूर है 1 वर्ष के लिए। दादी आपका उम्र हुआ है, आपको चलने में भी दिक्कत होता होगा, फिर 1 साल कैसे रहिएगा धरना? हले रहेंगे, हॉस्पिटल आएंगे और हड़ताल जारी रखेंगे, यहाँ से नहीं होगा पटना जाएंगे, पटना से नहीं होगा दिल्ली जाएंगे, लेकिन हड़ताल पर रहेंगे, हड़ताल पे ही रहेंगे, कोई कार्य नहीं होगा। अब देख लीजिए इन लोगों का कहना है कि हम हड़ताल पे ही रहेंगे, बाकी आज आशा कर्मी विशेष तो है नहीं ज्यादा, इसीलिए इन लोगों से ज्यादा बात कर नहीं पा रहे हैं। बाकी आशा कर्मी के बारे में आपका क्या सोच है कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद, जय।